लाइफ हमेशा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से टर्न्स लेती है। किसी ऐसे ही टर्न पर कब हमें प्यार हो जाए ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी एक ब्यूटीफुल सी थीम के साथ आज की हमारी मूवी द प्रपोजल 2009 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी आती है। इसकी स्टोरी लाइन को बताना स्पॉयलर होगा, बट आई अश्योर यू एक बहुत ही अच्छी मूवी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मार्गरेट को देखते हैं, जो एक बुक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर थी। हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एंड्रू, उसके लिए असिस्टेंट था। वो आज जरा उठने में लेट हो गया, तो जल्दी से रेडी होकर कॉफी लेकर मार्गरेट के पास पहुंच जाता है। जाते जाते उसके हाथ से कॉफी भी नीचे गिर गई थी। मार्गरेट अब तक ऑफिस में आई नहीं थी, तो डर कर जल्दी से अपना शर्ट वो बदल लेता है। इसके लिए अपने कोवर्कर को उसे गेम के बहुत ही एक्सपेंसिव टिकट भी देने पड़े थे। जब भी मार्गरेट ऑफिस में आती है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सबको मेल कर देता है कि ऑफिस में आ चुकी है, तो सब लोग काम करने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता। मार्गरेट चाहती थी कि एक आर्टिस्ट बुक लिखे, पर वो लिखने के लिए रेडी नहीं था, तो मार्गरेट खुद उसे कॉल करती है। बहुत अच्छे से बात कर उसने बुक लिखने के लिए उसे कन्विंस कर ही दिया था। वो अपनी कॉफी पर नोटिस करती है कि एंड्रू का नाम लिखा हुआ है। उसने पूछा कि मेरी कॉफी को क्या हुआ। एंड्रू ने कहा कि एक नीचे गिर गई थी। मार्गरेट ने कहा, क्या हम दोनों एक ही टाइप की कॉफी पीते हैं? अगर तुम मुझसे डरकर सेम टाइप की कॉफी बाय करते हो तो ये बहुत ही पथेटिक है। एंड्रू सचमुच में उसे डरता था, इसी वजह से सेम कॉफी बाय करता था। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर एक एम्प्लॉय के ऑफिस में जाते हैं। उस आर्टिस्ट को बुक लिखने के लिए मनाने का काम उस एम्प्लॉय का था, पर ये काम मार्गरेट को करना पड़ा, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसे कन्फ्रंट करती है और उसे पता चलता है कि उस एम्प्लॉय ने ट्राई भी नहीं किया था, इस वजह से उसे फायर कर देती है। वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और ऑफिस में सबके सामने उसे बहुत गालियां देता है। उसने मार्गरेट से कहा, तुम अकेली हो, इसी वजह से अपना फ्रस्ट्रेशन सब लोगों पर उतारती हो। इसके बाद मार्गरेट एंड्रू से कहती है, हमें वीकेंड पर भी काम करना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने पड़ेंगे। एंड्रू के ग्रैंडमा का 19th बर्थडे आने वाला है, तो इस वजह से वो घर पर जाने वाला था, पर अब मार्गरेट की वजह से नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट दिन में मार्गरेट को उसके बॉस उसके पास बुलाते हैं। कहते हैं, तुम्हारे इमिग्रेंट ऑफिस से कॉल आया था, वो तुमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे, पर तुम बहुत ही बिजी थे और विदाउट परमिशन तुम किसी अलग कंट्री में भी गई हुई थी, तो इस वजह से अब वो तुम्हें डिपोर्ट कर देने वाले हैं। मार्गरेट को इसे शौक लगता है, उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो कर सकती है, पर इसमें वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। अगर वो इस कंट्री में नहीं रह रही है तो इस ऑफिस में भी काम नहीं कर सकती। अचानक से जब ये मीटिंग हो रही थी तो एंड्रू उसे लेने के लिए आया, तो मार्गरेट को एक आइडिया आता है कि अगर वो एंड्रू से शादी कर लेगी तो यहाँ की सिटीजन वो बन सकती है। उसने अपने बॉस से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए एक न्यूज़ है, मैं और एंड्रू हम दोनों शादी कर रहे हैं। इतने दिनों से एक साथ हम काम कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट पर हम दोनों को प्यार हो गया। ये सब सुनना एंड्रू के लिए एक शौक ही था, वो अपने बॉस के खिलाफ जा नहीं सकता, तो हाँ में हाँ मिलाता है। बॉस ये पूरी मार्गरेट की चाल समझ गए, पर उसे कहते हैं सिर्फ इन सब चीज़ों को लीगल कर देना। ऑफिस में जब सब लोगों को एंड्रू और मार्गरेट के बारे में पता चला तो एंड्रू के लिए सबको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि मार्गरेट अब उसका जीना बर्बाद कर देगी। एंड्रू मार्गरेट से पूछता है कि तुम ये सब कर क्या रही हो। मार्गरेट ने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम कभी भी राइटर बन नहीं पाओगे। एंड्रू का राइटर बनना यही एक सपना था और इसी वजह से जॉब कर रहा था। मार्गरेट कहती है, हम शादी करके जल्दी से डिवोर्स ले लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों इमिग्रेशन के ऑफिस में आए। ये दोनों शादी कर रहे हैं ये वहाँ के ऑफिसर गिलबर्ट को बता देते हैं। मार्गरेट ने जिस एम्प्लॉय को अभी अभी फायर किया था उसने ऑलरेडी गिलबर्ट को कॉल कर दिया था। गिलबर्ट को पता था कि मार्गरेट और एंड्रू ये फेक शादी कर रहे हैं। उन्हें इस बात के लिए कन्फर्म करता तो मार्गरेट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ काम करते थे, तो इस वजह से अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट पर हमें प्यार हो गया। इस बात पर गिलबर्ट उन पर बिलीव नहीं करता, उनसे कहता है वीकेंड खत्म होने के बाद हम तुम दोनों का इंटरव्यू लेंगे, अगर इस इंटरव्यू में दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो एंड्रू को जेल हो जाएगी और मार्गरेट को फिर से उसकी कंट्री में भेज दिया जाएगा। ऑफिसर ने फिर से एंड्रू को एक चांस दिया सब कुछ सच कहने के लिए, पर एंड्रू कुछ भी बताता नहीं। ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या ये सब कुछ पता है। मार्गरेट के पेरेंट्स नहीं थे, तो मार्गरेट कहती है एंड्रू के पेरेंट्स को हम इस वीकेंड पर बताने वाले हैं। यहाँ से निकलने के बाद मार्गरेट एंड्रू को अपॉइंटमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के इंस्ट्रक्शन दे रही थी, पर एंड्रू उसकी कुछ भी बात मानने नहीं वाला। उसे कहता है मैं मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए दाव पर लगा रहा हूँ, तो अब तुम मेरा प्रमोशन करोगे, अब से मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। मार्गरेट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो एंड्रू की बात उसे माननी ही पड़ती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर एंड्रू मार्गरेट से कहता है तुमने मुझे शादी के लिए प्रॉपरली पूछा नहीं,
मुझे प्रॉपरली प्रपोज करो। और मार्गरेट को ये करना पड़ता है। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस वो पूछने वाले थे ये सब एंड्रू को मार्गरेट के बारे में पता था, पर मार्गरेट एंड्रू के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानती नहीं। इस पूरे वीकेंड पर वो एंड्रू को जानने की कोशिश करेगी। एंड्रू के टाउन पर पहुंचने के बाद उसकी मदर और ग्रैंडमा ने इनका स्वागत किया। उन्हें देखकर बहुत ही खुश थे। मार्गरेट की एज एंड्रू से बड़ी है तो इनके लिए ज़रा सरप्राइज था, पर फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड्रू और उसके फादर हमेशा झगड़ते रहते हैं तो इस वजह से उसे लेने के लिए नहीं आए थे। मार्गरेट ने पूरे टाउन में नोटिस किया कि हर जगह पर पैक्सटन ही लिखा हुआ था, यानी कि हर शॉप ये पैक्सटन का था। एंड्रू का पूरा नाम ही एंड्रू पैक्सटन है। इसका मतलब है ये पूरा टाउन उसकी फैमिली ओन करती है। वो इतना ज़्यादा अमीर है, इसके बारे में मार्गरेट को कभी भी पता नहीं था। मार्गरेट ने टाउन के एक होटल में रिजर्वेशन किया हुआ था, पर पूरा टाउन एंड्रू की फैमिली ओन करती है तो इस वजह से ग्रैंडमा ने ऑलरेडी रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया था। वो चाहते थे कि मार्गरेट उनके साथ ही रहे। ये फिर बोट पर बैठकर एक आइलैंड पर जाते हैं और वहीं पर उनका घर था। बेचारी मार्गरेट पानी से बहुत ज़्यादा डरती थी तो इस वजह से जैकेट पहनकर ही बोट पर बैठी। मार्गरेट ने एंड्रू से पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो। एंड्रू ने कहा कि मेरी फैमिली रिच है, मैं नहीं हूँ। जब एक घर पर पहुंचे तो इनके लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। मार्गरेट एंड्रू के फादर से मिलती है। मार्गरेट जो भी काम करती है इस प्रोफेशन को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। एंड्रू का इस तरीके से अपने पैशन को फॉलो करने के लिए घर छोड़कर जाना इसके फादर को अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से वो ज़रा बिटर थे। फादर ने एंड्रू से कहा, तुम अपने बॉस को डेट कर रहे हो ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। एंड्रू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक्चुअल में उसे प्यार करता हूँ। वो अपने फादर से गुस्सा हो जाता है और सब लोगों को बता देता है कि मार्गरेट उसकी फियांसे है। इन दोनों के लिए सब लोग बहुत खुश थे। ग्रैंडमा और मदर ने मार्गरेट से पूछा कि एंड्रू ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया था। इन दोनों के पास कोई भी स्टोरी नहीं थी तो एंड्रू कहता है कि मार्गरेट को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है, वही तुम्हें बताएगी। कुछ भी वियर्ड सी स्टोरी उन्हें बता देते हैं। सब लोग फिर इन्हें चीयर करने लग गए कि एक दूसरे को किस करो। ये मार्गरेट और एंड्रू के लिए ज़रा वियर्ड था तो एंड्रू उसके हाथ को किस करता है, पर बाद में उन्हें फोर्स करने के बाद रियल किस करना पड़ता है। ये फीलिंग इन दोनों के लिए अलग ही थी। इसके बाद ग्रैंडमा ने मार्गरेट और एंड्रू को उनका रूम दिखाया। वो उन्हें एक कंबल देती है और कहती है कि इसका नाम बेबी मेकर है। इसे ओढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को बेबीज हुए हैं। एंड्रू डर कर तुरंत इसे फेंक देता है। एक ही रूम होने की वजह से एंड्रू को बेचारे को नीचे सोना पड़ा। सुबह होने के बाद मार्गरेट को आर्टिस्ट का कॉल आया। अब उसे लग रहा था कि वो बुक नहीं लिख सकता तो उसे कन्विंस करने के लिए मार्गरेट उसे बात कर दिया। ज़रा रेंज आ नहीं रही थी तो बाहर चली गई। एंड्रू के घर पर एक छोटा सा डॉग भी था, वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। डॉग को ईगल से खतरा था, ईगल ने डायरेक्टली उस डॉग को उठा लिया। मार्गरेट अपना फ़ोन ईगल को मारकर डॉग को बचा लेती है, पर बाद में ईगल ने उसका फ़ोन ही ले लिया। उस ईगल के पीछे भाग रही थी। ये सब बहुत ही ज़्यादा फनी था। ग्रैंडमा और मदर उसे देखकर बहुत हंसते हैं। एंड्रू ने मार्गरेट से पूछा कि तुम वरीड क्यों हो। मार्गरेट कहती कि ईगल मेरा फ़ोन लेकर गया। एंड्रू कहता है कि वरी मत करो, हम सिटी में जाकर उसे लेकर आएंगे। ग्रैंडमा और मदर उन्हें देख रहे थे तो एंड्रू ने कहा कि मेरे गले लग जाओ, उसका फ़ायदा उठाने लग गया था। मार्गरेट कहती है ज़्यादा मज़े मत लो वरना तुम्हारी नींद में तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद एंड्रू अपने फादर से मिला। कल रात फादर ने उसे जो भी कहा था इसके लिए उसे सॉरी कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मैंने सारा बिजनेस खड़ा किया, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया और अब तुम्हें नहीं करना चाहते तो इस वजह से मुझे ज़रा बुरा लगता है। एंड्रू ने कहा कि मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, इसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। फादर ये बात समझ नहीं पाते तो फिर से इन दोनों में झगड़ा हो गया। थोड़ी देर में मदर और ग्रैंडमा मार्गरेट को सिटी में लेकर आए। उसे क्लब में लेकर जाते हैं जहाँ पर रमोन उनके लिए स्ट्रिप कर रहा था। रमोन ये उनका ही एम्प्लॉय है और उनके घर पर वो एज अ शेफ भी काम करता है। ये मार्गरेट के लिए बहुत ही वियर्ड है। या इस पार्टी में एंड्रू के एक्स गर्लफ्रेंड भी उन्हें ज्वाइन कर दिया। रमोन मार्गरेट को स्टेज पर ले जाकर उसके साथ डांस करता है। ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड था। वो फिर इस पार्टी से ज़रा बाहर आ जाती है। उसके पास एंड्रू के एक्स गर्लफ्रेंड भी आ गए। उसने कहा कि तुम बहुत ही लकी हो कि एंड्रू तुम्हारे पास है। मार्गरेट ने पूछा कि तुम्हारा और एंड्रू का ब्रेकअप क्यों हुआ। वो कहती कि हम हाईस्कूल में डेट कर रहे थे। उसके बाद एंड्रू को लग रहा था कि न्यूयॉर्क में जाकर वो अपना पैशन फॉलो करे। वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ हो, पर मैं हमेशा इसी टाउन में रही हूँ, इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। ये सब लोग जब घर पर वापस आए तो एंड्रू गुस्से में लकड़ियाँ तोड़ रहा था। ये बात उसकी मदर ने नोटिस की और डायरेक्टली फादर के पास आई। वो कहती कि तुम्हारी वजह से एंड्रू अब घर पर नहीं आता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेगा
और ये वो नहीं चाहती थी। मार्गरेट इनका झगड़ा सुनकर अपने रूम में चली जाती है। वो शॉवर ले रही थी पर बाद में उसने रियलाइज किया उसके पास टॉवेल नहीं है। एंड्रू हेडफोन लगाकर अपने रूम में आया। मार्गरेट टॉवेल लेने की कोशिश कर रही थी पर डॉग उसे रोक रहा था। वो जल्दी जल्दी से डॉग से पीछा छुड़वा कर बाहर आ जाती है। तभी वो एंड्रू के ऊपर गिर गए। ये दोनों न्यूड थे तो इनके लिए बहुत ही वियर्ड बन जाता है। रात में मार्गरेट एक गाना गुनगुना रही थी तो एंड्रू ने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मार्गरेट कहती कि बहुत ही फेमस बैंड है। वो एक गाना गुनगुना देती है तो एंड्रू कहता है कि मुझे पता था, मैं सिर्फ तुम्हारा गाना सुनना चाहता था। मार्गरेट एंड्रू को जिस तरीके से ट्रीट करती है तो उसे बुरा लगता है। उसने कहा कि जब मैं 16 साल की थी तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से वो हमेशा अकेले ही रही है। इस वजह से कभी भी उसकी लॉन्ग टर्म कोई भी रिलेशनशिप रही नहीं। एंड्रू को भी उसके लिए बुरा लगता है। सुबह होने पर मदर इनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए तो जल्दी से एंड्रू मार्गरेट के बेड में आ गया। मदर के पीछे पीछे फादर भी आए। उनसे पूछते हैं कि अगर तुम दोनों शादी करने ही वाले हो तो इसे वीकेंड पर कर लो, ग्रैंड माँ को भी बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो ये मना कर रहे थे पर बाद में ग्रैंड माँ भी आके वो कहती है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो मैं तुम्हारी शादी देख नहीं पाऊंगी। इस इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से दोनों मान जाते हैं। सब जाने के बाद बेचारे एंड्रू को बहुत ही बुरा लगा। वो मार्गरेट से कहता है कि अगर सबको सच के बारे में पता चला तो बहुत ही बुरा होगा। मार्गरेट कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम थोड़ी देर में डिवोर्स ले लेंगे और बाद में तुम उन्हें बता देना। वो एंड्रू का सहारा देते हुए उसके पास आ गई थी। ये दोनों करीब आने लग गए थे। ये बात मार्गरेट रियलाइज कर वहां से चली जाती है। वो अकेली बाइसिकल राइड करने के लिए गई। वो अपने आप से कह रही थी ये ज्यादा इमोशनल मत बनो, ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। इसके बाद एंड्रू और मार्गरेट शॉपिंग करने के लिए टाउन में आए। टाउन में मार्गरेट अपने ईमेल जब चेक कर रही थी तब वो एंड्रू को उसके एक्स गर्लफ्रेंड से बात करता देखती है। मार्गरेट ने एंड्रू से पूछा तुम्हारे एक्स से मिलना क्या तुम्हें अच्छा लगा। एंड्रू कहता है कि ठीक ठाक था। वो कन्फर्म करना चाहती थी कि क्या एंड्रू अब भी अपने एक्स को लाइक करता है पर एंड्रू अब उसे लाइक नहीं करता था। टाउन में ग्रैंड माँ और मदर इन दोनों से मिल जाते हैं। वो मार्गरेट को एक शॉप में लेकर गए। ग्रैंड माँ उसे एक वेडिंग ड्रेस देती है, कहती है मेरी शादी भी इसमें ही हुई थी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी में भी यही पहनो। ग्रैंड माँ ने मार्गरेट को एक नेकलेस दिया, कहा कि 150 ईयर्स से ये नेकलेस हमारी फैमिली में है। मार्गरेट सुनकर जरा इमोशनल हो जाती है, इतना प्यार कभी भी किसी ने उसे किया नहीं था। ग्रैंड माँ ने उसे फोर्स किया, कहती है तुम इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इन सब बातों की वजह से मार्गरेट डिस्टर्ब हो गए। वो एंड्रू के साथ बोट में चढ़कर जल्दी से आगे चली जाती है। उसने एंड्रू से कहा कि मैं भूल गई थी एक्चुअल में फैमिली होना क्या होता है, मैं जो भी कर रही हूँ ये बहुत ही गलत कर रही हूँ, अगर सबको इसके बारे में पता चलता है तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। वो बोट बहुत ही फास्ट चला रही थी, उनका एक्सीडेंट हो सकता था तो एंड्रू ने बोट उससे ले ली। वो जल्दी से इसे टर्न करता है और मार्गरेट पानी में नीचे गिर गई। उसे तैरना आता नहीं था तो बहुत ज़्यादा डर गई थी पर एंड्रू ने उसे बचा लिया, उसका ख्याल रखता है। ये दोनों जब घर पर आए तो एंड्रू के फादर के साथ इमिग्रेशन का ऑफिसर गिलबर्ट भी था। गिलबर्ट ने फादर को सब कुछ बात बता दी थी। फादर ने गिलबर्ट को पैसे दे दिए थे, इस वजह से एंड्रू से कहता है कि अब भी अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तुम्हें कोई भी जेल नहीं होगी। एंड्रू कहता है कि हम सचमुच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वहां से वह चला गया। मार्गरेट ने कहा कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर क्यों रहे हो। एंड्रू कहता है कि अगर मेरी जगह पर तुम होती तुम भी यही करती। शाम में इनके पास ग्रैंड माँ आई और मार्गरेट को अपने रूम में लेकर जाती है, कहती है कल वेडिंग नाइट है तो आज रात तुम दोनों को एक साथ नहीं सोना है। डायरेक्टली अगले दिन वेडिंग की सारी तैयारी हो गई थी। इनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। वेडिंग के वक्त मार्गरेट को बहुत ही बुरा लगता है, इस तरीके से वो सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। उसने वेडिंग रोक दी और सब लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया। एंड्रू उसके पीछे पीछे रूम में आया। उसने एंड्रू के लिए एक लेटर लिखा था। वो कहती कि तुमने जो बुक लिखी है ये एक्चुअल में बहुत ही अमेजिंग है, तुम मेरे एक अच्छे असिस्टेंट थे तो इस वजह से मैंने तुम्हारी बुक पब्लिश नहीं की थी, पर अब मैं जाने से पहले तुम्हारी बुक पब्लिश कर दूंगी, तुम बहुत ही अमेजिंग हो और अच्छी लाइफ जीना। एंड्रू के पीछे पीछे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई। एंड्रू कहता है कि मार्गरेट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है। एक्स गर्लफ्रेंड को पता था कि एंड्रू मार्गरेट से बहुत ही प्यार करता है तो उसे पूछती है क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे। एंड्रू फिर जल्दी जल्दी निकलने लग गया। उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। फादर और एंड्रू में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी ग्रैंड माँ को हार्ट अटैक आने लग गया। वो जल्दी से उसे प्लेन में बिठा कर हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। ग्रैंड माँ फादर और एंड्रू से कहती है तुम दोनों का वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही अलग अलग है पर तुम दोनों फैमिली हो तो इस वजह से तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए। मेरे मरने से पहले मुझे तुम प्रॉमिस करो कि कभी भी नहीं झगड़ोगे।
ये दोनों प्रॉमिस करते हैं। तभी ग्रैंडमा उठकर खड़ी हो गई, उसे हार्ट अटैक आया ही नहीं था। उसने फिर पायलट से कहा कि जल्दी से हमें एयरपोर्ट पर लेकर चलो। ये सब लोग जब तक एयरपोर्ट पर पहुंचे तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। ऑलरेडी मार्गरेट वहां से चली गई थी। ग्रैंडमा और मदर को बहुत ही बुरा लगता है। फादर ने पूछा कि ये सब हो क्या रहा है। मदर कहती कि मार्गरेट भी एंड्रू से प्यार करती है, उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी तो इसी वजह से वो चली गई। अब इसके बाद हम फिर से मार्गरेट को अपने ऑफिस में देखते हैं। वो अपना सब सामान लेकर यहाँ से जा रही थी तो एंड्रू वहां पर आ गया। एंड्रू से कहता है, इतने साल मैंने तुम्हारे साथ काम किया, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें मार डालो। अब जब मैं तुम्हें जानने लग गया हूँ तो तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ ये बहुत ही यूनिक था। मार्गरेट कहती कि मुझसे प्यार करना है बहुत ही हार्ड होगा। एंड्रू कहता है कि रिलेशनशिप हार्ड होती ही है। ये दोनों फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसके लिए रेडी थे। इसके बाद हम इनकी इमिग्रेशन की इंटरव्यू देख सकते हैं जो सक्सेसफुल हुए और इन्होंने शादी कर ली। इसी के साथ इस मूवी की स्वीट सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।